मित्रों, जय माता दी। मित्रों, 20 से लेकर 27 जनवरी तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी महीने का यह सप्ताह कैसा गुजरने वाला है आपको बताएंगे। इस सप्ताह आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो, कौन से क्षेत्रों में कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके मान सम्मान स्कृति वृद्धि में कैसे वृद्धि हो सकेगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कैसे बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। आपके जीवन में आपके ग्रह गोचर इस सप्ताह कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार के क्षेत्र में नए कार्यों को करने की योजना बना सकते हैं। आपको काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम इस सप्ताह मिलने वाला है। मित्रों का सहयोग से आपको अपने कामों में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, अतः आप मित्रों को अनदेखा न करें। नौकरी पैसा वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा है। कला जगत के क्षेत्र में प्रयासरत जातकों के लिए यह समय अच्छी खुशखबरी लाएगा। स्त्रियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेकर आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। आपको सप्ताह के अंत में आर्थिक पक्ष में सुधार संभव है। जीवन साथी का सहयोग बराबर मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर जातकों को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। इस सप्ताह के 21, 22 और 23 जनवरी के दिन आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। संतान पक्ष को आपको व्यवस्थित कर सकते हैं। घर में किसी धार्मिक अनुसंधान से परिवार का माहौल काफी खुशनुमा बना सकते हैं। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे होंगी। आमदनी के लिहाज से आपका 26 और 27 जनवरी का दिन काफी ठीक रहेगा। व्यवसाय में आपको नए कार्यों की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। प्रणय संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी उत्तम है। त्वचा से संबंधित रोगी इस सप्ताह राहत महसूस कर सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कार्य के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा संघर्ष भरा रह सकता है। पिता का सहयोग आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। राजनीतिक करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह एक नई दिशा लेकर आएगा। आमदनी अच्छी होने के आसार हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए समय काफी अच्छा है। आपको उधार देने से बचना होगा। उधार दिए हुए पैसे आपके डूब सकते हैं, अतः आपको उधार देने में सजग और सावधान रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध बना रहेगा। प्रणय संबंधों में अस्थिरता का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सुधरने की संभावना है। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह दफ्तर में आपको कुछ उभाऊ काम करने का पड़ सकता है। यह सप्ताह आपके लिए धनवान रहेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए या नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए यह समय काफी अच्छा है। नौकरी करने वालों को नौकरी बदलने का अच्छा समय है। छात्रों के लिए यह समय काफी शुभ है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी सफल रहेंगी। इस सप्ताह में कमर की पीड़ा से आपको निजात मिल सकती है। अगर आपके कमर में दर्द था वह आपको छूट सकता है। मित्रों, राजनीतिक लोगों के साथ बैठने उठने के आसार मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया का भाव जो है वो उत्पन्न होगा। यह सप्ताह आपके आमदनी के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काफी लाभ हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को दफ्तर में कार्य करने वालों को अपने सहयोगियों के साथ उलझना नहीं चाहिए। उनसे आपको अपने कार्यों में मदद लेनी पड़ सकती है, अतः आपको उनसे उलझना भारी पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेंगी। प्रेम संबंध के इस सप्ताह काफी जटिल प्रक्रियाओं से गुजर सकता है।
बीपी की समस्याओं के लिए इस सप्ताह आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों, आपको बताना चाहेंगे कि आप नए कार्यों की शुरुआत बेझिझक कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपको संतान से काफ़ी अच्छी उन्नति के आसार लग रहे हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय माँ विंदुवासिनी।